नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लोन और कहां से मिल सकता है। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। यह लोन FPO को वर्किंग कैपिटल के रूप में, टर्म लोन के रूप में या कंपोजिट रूप में यह प्रोवाइड करती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिए, यूनियन बैंक जो 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है, या कंपनी को यदि कोई असेट्स की रिक्वायरमेंट हो, कोई प्लांट इंस्टॉल करना हो या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, इसकी पूर्ति करने के लिए यह लोन प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यह लोन ले सकती है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले सकती है, या वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों को कंपोजिट रूप में लोन ले सकती है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वह कंपनी एक्ट में या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो फार्मर्स होना चाहिए, या फिर मिल्क प्रोड्यूसर्स हों, फिशरमैन हों, वीवर हों, रूलर आर्टिसंस हों या क्राफ्ट्समैन हों, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जो लैंड है वह प्रोडक्टिव जो लैंड है वो 500 से 4000 हेक्टेयर होने चाहिए। मतलब जो उनके जितने मेंबर हैं, जैसे 500 मेंबर हैं तो उनकी सबकी मिला के प्रोडक्टिव लैंड जो है, यदि वह फार्मर्स हैं तो 500 से 4000 हेक्टेयर तक होना चाहिए। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम 500 मेंबर होना आवश्यक है। इसके अलावा जो कंपनी की मिनिमम पेडअप कैपिटल है वो 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में कंपनी की पिछले 1 साल की बैलेंस शीट भी होना चाहिए। यदि कंपनी की जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उसकी गारंटी कवर हो सकती है, या SFC की गाइडलाइन के अंतर्गत यदि वो आती है तो वहाँ से उसकी जो है गारंटी कवर हो सकती है। लोन अमाउंट हम बात कर चुके हैं, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है यूनियन बैंक के द्वारा। इसमें जो है मार्जिन की बात करें तो टर्म लोन के लिए 15% का मार्जिन की आवश्यकता होगी, और केस क्रेडिट के लिए मिनिमम 20% के मार्जिन की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो भी आप असेट्स क्रिएट करेंगे बैंक से, जो फाइनेंस कराएंगे उससे, तो वो हाइपोथिकेट रहेगी। इसके अलावा यदि SFC से आपकी लोन जो है वो कवर होता है, या क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत कवर होता है, तो आपको कोलेट्रॉल की आवश्यकता नहीं होगी। अदरवाइज आपको 100% कोलेट्रॉल की आवश्यकता होगी, सिक्योरिटी मतलब बैंक को देना होगी। रीपेमेंट की बात करें तो जो टर्म लोन है वह अधिकतम आपको 7 साल तक के लिए मिलेगा, वो वर्किंग कैपिटल जो है वो 12 महीने के लिए रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कंपनी के जो बायलॉस है, MOA लगेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, डायरेक्टर्स की KYC लगेगी, कंपनी का रेजोल्यूशन लगेगा, कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट लगेगी। इसके अलावा भी यदि बैंक को अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट हो, जैसे सर्च रिपोर्ट, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, इसकी भी मांग कर सकती है। तो यदि आप भी अपने FPO के लिए यह लोन लेना चाहते हैं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपके नज़दीकी जो भी शाखा है वहाँ जाके आप इस स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं। यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। यह स्कीम की जो गाइडलाइन है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे अपलोडेड है, फाइनेंसिंग टू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।